अगर सब कुछ आपके हाथ में है और सब कुछ आपको पता है कि गलत सलत हो रहा है और राजू दास की आशंकाएं निर्मूल नहीं है, तो आप आदमी रखा दीजिए ना ट्रस्ट में, मस्जिद का जो ट्रस्ट है उसमें भी सरकार के नुमाइंदे रखा दीजिए, रख दीजिए यूपी के मुख्य सचिव को जैसे मंदिर के ट्रस्ट में रखा है आपने, क्यों इंतजार कर रहे हैं? इसलिए कि चार लोग पहले आरोप लगाएं, फिर चार लोग उसको डिफेंड करें और फिर बहस हो चार महीने, फिर आप कहें कि हम आदमी रख रहे हैं? देखिए, हम ये बात कहना चाहेंगे कि ट्रस्ट बनकर अपनी गतिविधियां करें, जैसा विष्णु जैन जी ने कहा है, सरकार को उस पर नजर रखने की और विजिलेंस रखने की पूरी ताकत है। और मैंने आपको बताया कि हमने हजारों ट्रस्टों के ऊपर जानकारी रखी, यदि सरकार को कुछ ऐसा लगेगा तो हम ये करेंगे। तकनीकी पक्ष ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ जमीन देने को कहा है, बाकी ट्रस्ट की गतिविधि के संचालन के लिए सरकार से प्राइमा फेसिया नहीं कहा, तो हम प्राइमा फेसिया अर्थात प्रथम दृष्टया उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। यदि आवश्यकता महसूस होगी तो विष्णु जैन जी ने जिस प्रकार के नियमों का हवाला दिया है उन नियमों के अंतर्गत जो विधि सम्मत युक्ति संगत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। फेयर एनफ, सरकार के तौर पर सरकार को जो करना है उसके अधिकार क्षेत्र में वो कर सकती है, लेकिन असीम वकार साहब, मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे रखना है या नहीं रखना ये समाज के लोगों को तय करना है, तो क्या इस बात पर भी अड़ंगा लगेगा या अड़ेंगे लोग कि नहीं साहब हम तो बाबर के नाम पे रखना चाहते हैं, तब जबकि आप खुद कह चुके हैं कि हमें कोई बाबर से मोहब्बत नहीं है। देखिए, आज की डिबेट बड़ी बहुत रोचक होती जा रही है। सुधांशु जी को मैं बहुत इज्जत देता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि खानवा की लड़ाई में लाशों के सरों पर खड़े होकर, सर हमारे ही हिंदुस्तान में अशोका महान, द ग्रेट अशोका ने एक युद्ध लड़ा था कलिंगा का, और उसके बारे में लिखा गया है कि लाशों का, इंसानों की लाशों का समंदर बन गया, जहां तक दिखाई पड़ रहा था वहां तक सिर्फ लाशें थी, और सालों तक गिद्ध गोश्त खाते रहते और खत्म नहीं हुआ था। अगर पैमाना यह है कि जो लाशें गिराए उसका नाम नहीं लेना चाहिए, सुधांशु जी मेरा मतलब समझ गए, आप समझ गए मेरा मतलब, लेकिन बस इसके आगे नहीं बोले। दूसरी बात, वकील साहब, जैन साहब, आप मेरा जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, राणा सांगा को नहीं हराया। आपने पूछा कि सिंधु लीडर को हराया किस, देखिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी पूरी रखिए। मैंने एकदम पूरी जानकारी साथ आपको बोला है, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कोई। समय कम बचा, आपस में लड़ाई में निकल जाएगा, फिर बात हो नहीं पाएगी, बात होनी पाएगी, फिर आपस में लड़ाई में निकल जाएगी। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, इस टेस्ट में कोई नंबर नहीं दे रहा किसी को, तो कोई जीके में फेल हुआ, कोई पास हुआ, ये चक्कर ही नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई ग्रेडिंग नहीं हो रही है, केवल ये पूछ रहा हूँ। मुसलमानों की अपनी संस्था है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हाँ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमें मस्जिद के एवज में जमीन नहीं चाहिए, मुसलमान मस्जिद के बदले ना जमीन ले सकता है, ना मस्जिद बेच सकता है, ठीक, ना मस्जिद गिरवी रख सकता है, ठीक, न मस्जिद को गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। हमारा अपना मानना यह है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों की, सुन्नियों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, शियाओं की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, ये सरकारों के बोर्ड है, ये सरकारों की नुमाइंदगी करते हैं। जफर फारूकी साहब क्या कर रहे हैं, असीम साहब से पूछिए, असीम साहब एक बात बता दीजिए, एक जफर फारूकी साहब सुन्नियों के नेता नहीं है, असीम वकार जफर फारूकी साहब एक मुसलमानों में, असीम बकार एक बात बता दीजिए, सरकार चला रही है रोहित जी, असीम बकार केवल एक बात बता दीजिए, सरकार के नेता हो सकते हैं असीम बकार, मुझे केवल एक बात बता दीजिए, उनको कहीं से भी अपना रहनुमा नहीं मानता, असीम बकार मुझे केवल एक बात बता दीजिए, मैं आपसे सरकार की तरफ से फैसले लेंगे, नहीं मुसलमानों ने फैसला ले लिया है कि हमें वो जमीन नहीं चाहिए, असीम बकार अब मुझे एक बात, हम वो जमीन नहीं लेंगे, अब मुझे एक बात तो बता दीजिए, हम जमीन के एवज में कुछ नहीं ले सकते, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, या तो आपको सुनाई नहीं दे रहा या आप ना सुनने का, एक नहीं सौ बार असद वैसी साहब ने 100 बार ये बात कही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, बेचा जा सकता है, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज, न गिरवी रखा जा सकता है, भाई इनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, नहीं मानते, बताइए असद वैसी साहब जफर फारूकी से, अरे भाई सीबीआई को आप मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते नहीं, हाई कोर्ट को आप मानते नहीं, सरकार को आप मानते नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मानते नहीं, शिया वक्फ बोर्ड को मानते नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को मानते नहीं, असद वैसी साहब, असद वैसी साहब, असद वैसी साहब आप करते जा रहे हैं, जो उस मामले में पार्टी नहीं,
तो असद ओवैसी से थोड़ी ना नामकरण करा लेगा कोई मस्जिद का, क्योंकि असीम मकार को असद ओवैसी अच्छा लगता है या उसकी पार्टी का अध्यक्ष है? इसका जवाब तो दीजिए ना। आपको हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करता है, हिंदुस्तान का। अरे भाई, सारे मुसलमानों की ठेकेदारी आपकी है क्या? वो जफर याब जिलानी असद ओवैसी का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे थे, बिना नाम लिए निकल गए 10 मिनट में, चर्चा तक नहीं की उन्होंने, इस लायक तक नहीं समझा। फिर क्या करूं, कैसे मान लूं कि सारे मुसलमान मानते हैं? जिलानी साहब से कभी पर्सनली उसके बारे में पूछ लीजिएगा। अच्छा, पर्सनली पूछ लूं? कभी कैमरे के अलावा पर्सनली पर्सनली बता सकते हैं? टीवी पर बताने में उनको शर्म महसूस होती है कि असद ओवैसी को नेता मानता हूं मैं भी? टीवी पर बताने में शर्म आती है उनको कि जो असद ओवैसी कह रहे हैं वही देश का मुसलमान मानता है? बिल्कुल मानता है सर, कोई मुसलमान जमीन लेने को तैयार नहीं है। कौन ले रहा है मुझे? तो ये ट्रस्ट कहां से आ रहा है? ये ट्रस्ट कहां से आ रहा है जो बन रहा है सर? सरकारी कहां से आ रहा है? और वो आपसे कहते हैं ये ट्रस्ट कहां से आ रहा है? ये जो ट्रस्ट के मेंबर बने हैं ये कौन है, कहां से आ रहे हैं? हम लोग को नहीं पता साहब कौन लोग, या उनका भी आपने सर्टिफिकेट फाड़ दिया है कि ये मुसलमान नहीं है? क्योंकि असद ओवैसी साहब का मैं असीम वकार कह रहा हूं इसलिए ये मुसलमान नहीं है। हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते कौन लोग। सुधांशु जी, क्या यही रवैया है जिसकी वजह से आज इतने साल के बाद भी मामला अदालत में खत्म हो चुका लेकिन सड़कों पे भाषणों में रैलियों में अब भी जहर घुलता? देखिए, मैं इनकी एक और मैं इनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। ये दूसरी बात के साथ पहली बात कर, अब ये खामखा में असीम वकार साहब ने इस विषय के ऊपर ये जिक्र कर दिया कि अशोक से तुलना कर दी। भाई, एक तो बात मैं आपको साफ कह दूं, अशोक ने जो गलतियां की थी तो जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, अशोक की खुद की जो बारे में बायोग्राफी अशोकावदान, उसमें अशोक की गलतियों का जिक्र है, इसलिए अशोक को चंड अशोक भी कहा गया, जिसे लाशें देखने मजा आता है। परंतु धर्म ने क्या कहा, वो सब देख के अशोक को ग्लानी महसूस हुई, अशोक को पछतावा हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग अडॉप्ट किया। क्या तुलना कर रहे हैं आप? और उसने युद्ध में मारा, युद्ध में मरना अलग है और एक है कि आम जनता का नरसंहार कर दिया, सारे मंदिर तोड़ दिए, अशोक ने किसी का कोई धर्म स्थल तोड़ा कुछ किया, युद्ध की वजह से उसको ग्लानी हो गई। तो इसलिए तुलना सोच समझ के करनी चाहिए। यहां तो उन्होंने खुश होकर कहा गाजी की उपाधि, उसके बाद बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया। खैर, अब आते हैं इस पे। अभी जो आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब, अरे साहब मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, ये बताइए बिहार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे कितना वोट पाए मुसलमानों का? ये खामखा में आसाम का मुद्दा आ जाए एनआरसी का तो ओवैसी साहब, यदि धारा 370 तो ओवैसी साहब, वहां एक कोई एक मुसलमान पूछ नहीं रहा, एक वोट मिल नहीं रहा। वह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम आरक्षण का विषय आ जाए तो ओवैसी कूद पड़ेंगे। अरे मैं दावे के साथ कहता हूं आपने कैंडिडेट लड़वा पाए थे क्या अयोध्या में? इसलिए मैं मानता हूं आप विशुद्ध विशुद्ध भड़काऊ राजनीति करके सांप्रदायिक मतों के ध्रुवीकरण की वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो 60-70 सालों से इस देश में होती आई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।